गुड मॉर्निंग बेटा, हम आज 9th की इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको दो बुक है, एक है टेक्स्ट बुक और एक है सप्लीमेंट्री बुक। जो टेक्स्ट बुक है उसका नाम है बिहाइव, और जो आपकी सप्लीमेंट्री बुक है उसका नाम है मोमेंट्स। तो अभी हम बिहाइव का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, द फन दे हैड। इट इज़ रिटन बाय आइज़ैक एसिमो, ठीक है, एजिमो, आइज़ैक एजिमो। ये एक रशियन थे, इनका जन्म रशिया में हुआ था, लेकिन फिर बाद में ही मूव्ड टू अमेरिका, जहाँ पे ये बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, और साथ में ये राइटर भी थे। और इन्होंने जो भी लिखा है वो साइंस फिक्शन पे लिखा है। साइंस फिक्शन क्या होता है? साइंस फिक्शन देखिए, कोई भी आप कहानी लिखते हैं, या तो वो हो सकती है काल्पनिक, तो और एक और हो सकती है कि कुछ आपने देखा हुआ हो और फिर आप उसको लिख रहे हैं। तो जो काल्पनिक होती है उसको इंग्लिश में कहा जाता है फिक्शन, और जो अकाल्पनिक होती है उसको बोला जाता है नॉन फिक्शन। ठीक है, रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड होती है उसको कहा जाता है नॉन फिक्शन। तो अभी हम ये जो द फन दे हेड पढ़ेंगे, ये स्टोरी एक साइंस फिक्शन है। साइंस फिक्शन है मतलब काल्पनिक है, लेकिन इसमें साइंस भी है थोड़ा सा। साइंस कैसे है वो हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो चैप्टर का नाम है द फन दे हैड। देखिए, आप टाइटल में देखिए हैड लिखा हुआ है। हैड मतलब किसकी बात हो रही है? पास्ट की बात हो रही है कि उन्होंने कितना मज़ा किया होगा। ठीक है, पास्ट की बात हो रही है। अब दे कौन है ये हम आगे चैप्टर में देखेंगे, उसमें समझ में आएगा। तो बिफोर यू रीड, आप पढ़ना स्टार्ट करें उससे पहले, द स्टोरी वी शैल रीड इज अबाउट इज सॉरी द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। जो स्टोरी हम पढ़ रहे हैं वो किस में सेट है? फ्यूचर में सेट है। फ्यूचर्स में सेट है मतलब अभी हम 21st सेंचुरी में हैं। ये जो स्टोरी दे रखी है आपको 22nd सेंचुरी के लोगों के ऊपर दे रखी है। वेन बुक्स इन स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। जहाँ पर बुक्स और स्कूल्स जैसे अभी है हमारे, शायद वैसे बुक्स और स्कूल उस टाइम क्या होते थे, एग्जिस्ट नहीं करेंगे। How will children study then? तो फिर बच्चे कैसे पढ़ेंगे? The diagram below may give you some ideas. तो ये जो डायग्राम दे रखा है आपको स्कूल ऑफ फ्यूचर्स, ये आपको क्या देगा? आइडिया देगा कि कैसे पढ़ेंगे। तो लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, जैसे कि अभी कोरोना के टाइम्स हम भी क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर के थ्रू पढ़ रहे हैं। तो उस टाइम तो भले कोरोना नहीं भी होगा, पर वो लोग कैसे पढ़ रहे हैं? कंप्यूटर्स के थ्रू पढ़ रहे हैं। एक और आप भी देखो, क्लासरूम बना रखी है इन लोगों ने, वर्चुअल क्लासरूम बना रखी है। हमारी रियल क्लासरूम में क्या होता है? टीचर होता है। देखो इनकी आपको कहीं पर भी टीचर नहीं दिखेगा, ब्लैक बोर्ड होता है। इनके एक वर्चुअल क्लासरूम बना रखी है जहाँ पे सिर्फ क्या है, मशीन्स ही हैं। उसके बाद आपको दे रखा है टीचर। तो हमारे यहाँ तो टीचर क्या होते हैं? ह्यूमन बींग्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? एक रोबोट टीचर दिख रहा है। और उसके बाद आपको क्या दे रखा है? मूविंग ई टेक्स्ट। मूविंग ई टेक्स्ट मतलब जो भी बुक्स हैं वो किस पर दे रखी है आपको? कंप्यूटर पर दे रखी है। तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी ने क्या किया था उसके बारे में, किसके बारे में लिखा था? मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी ने उसके बारे में लिखा भी था रात को उसकी डायरी में। किसके बारे में लिखा था वो हमको देखना है। ठीक है, ऑन द पेज हैड इट 17 May 2157। 22nd सेंचुरी की बात हो रही है, और ईयर कौन सा है? देखिए 57 ईयर है। ठीक है, जैसे अभी हमारे यहाँ 2020 चल रहा है, तो मतलब अभी जिस तरीके से हमारे यहाँ होगा 2057, उसी टाइम उसी तरीके से फ्यूचर में क्या होगा? 2157। तो अगर हमने वो डायरी एंट्री का हमने लेसन पढ़ा था अभी जब हमने आपको वीडियो सेंड किए थे उसमें, तो हम देखते हैं कि डायरी एंट्री पे सबसे पहले हम क्या डालते हैं? डेट डालते हैं। तो इसने भी क्या करा? डेट डाला। टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को क्या मिली? एक रियल बुक मिली। रियल बुक मतलब कैसी? पेजेस वाली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। वो क्या थी? बहुत पुरानी बुक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हीज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। ठीक है, मार्गी के ग्रैंडफादर जो थे वो मार्गी को स्टोरी बता रहे थे कि जो उनके ग्रैंडफादर थे उन्होंने उनको बताया था। क्या बताया था? टोल्ड हिम दैट देर वॉज अ टाइम, एक ऐसा समय था वेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जहाँ पर हर कोई सी भी स्टोरीज जो थी वो किस पे लिखी जाती थी? पेपर पर लिखी जाती थी। दे टर्न द पेजेस। दे मतलब कौन?
किसकी बात हो रही है? टॉमी और मार्गी की. वो क्या कर रहे थे? पेजेस को टर्न कर रहे थे, मतलब पलट रहे थे. विच वर येलो एंड क्रिंकली. क्या हो रहे थे उनमें? वो कैसे थे पेजेस? येलो थे और क्रिंकली थे. क्रिंकली थे मतलब विथ मेनी फोल्ड्स एंड लाइन्स. उन पे क्या थी? बहुत सारी लाइन्स थी और फोल्ड्स थे. एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन. ठीक है. और उनको क्या लग रहा था? बहुत बुरी तरीके से वो चीज़ क्या लग रही थी? फनी लग रही थी. उनको बहुत बुरी हंसी आ रही थी. किस चीज़ पे हंसी आ रही थी? टू रीड वर्ड्स, उन अक्षरों को पढ़ने में. डेट स्टूड स्टिल, जो क्या हुए थे? सीधे के सीधे खड़े थे. इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू, मतलब जो अभी इनके पास बुक्स हैं वो क्या है? वो कंप्यूटर से पढ़ते हैं. तो अभी के बुक्स में क्या होता है कि वर्ड्स जो है कंप्यूटर स्क्रीन पे मूव करते हैं ना. अब आपने नेक्स्ट क्लिक किया तो क्या हो गया? आपके पास नई बुक, नया पेज खुल गया. पर इनको क्या लग रहा था कि अभी हम जो बुक देख रहे हैं उस पे वर्ड्स क्या है? वैसे के वैसे ही हैं, कहीं पर भी मूव नहीं कर रहे हैं, यू नो. एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू पेज बिफोर, और फिर जब क्या करेंगे वो बिफोर पेज को क्या करेंगे? टर्न करेंगे, मतलब इससे पहले वाला पेज को टर्न करेंगे. इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, उसके ऊपर भी क्या थे? सेम वर्ड्स ही थे. एंड That it had had when they read it for the first time, है ना. वो कैसे कैसे उस पर वर्ड्स थे? वही वर्ड्स थे जो उन्होंने पहले टाइम पे उसको रीड किया था ना, वैसे के वैसे ही उस पर वर्ड्स थे.